Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, geographic grade, latitudes and longitudes. Beta puri class 9th ki geography ka sabse easy chapter hai. Aur shayad sabse zyada interesting bhi. देखो इंटरेस्टिंग तो सारे चैप्टर हो सकते हैं पर इजी इससे ज़्यादा कोई चैप्टर नहीं होता, तो इसको बस प्यार से सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि ये सुपर डुपर इजी चैप्टर है। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स, कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड टू फाइंड द लोकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम हम देखेंगे, फिर ग्रेट सर्कल्स और उसकी यूजेस को देखेंगे। चलो बेटा, आप सबको पता है कि हमारी अर्थ का सरफेस बहुत बड़ा है। जब तक हम किसी मैथमेटिकल मेथड का यूज़ ना करें तब तक हम किसी प्लेस को लोकेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बात कैसे करोगे बताओ? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अर्थ का सरफेस बहुत बड़ा है और किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें किसी ना किसी मैथमेटिकल मेथड की यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी रीज़न से किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। किसके ऊपर? ग्लोब्स के ऊपर। अब सब लोगों ने ग्लोब देखा होगा, देखा ही होगा ना, इस तरीके से सबके स्कूल में रखा ही होता है ग्लोब, है ना। और ये जो ग्लोब होता है इसके ऊपर आपने इस तरीके से लाइंस भी देखी होंगी, है ना। तो इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। वो हम देखेंगे किसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, किसको लॉन्गिट्यूड बाद में। जो लाइंस होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं पैरेलल टू इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये रहा इक्वेटर, इसके पैरेलल जो लाइन रन करेंगी ये है 0 डिग्री इक्वेटर। इसके पैरेलल जो लाइन रन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। आई बात समझ में? देखो अर्थ का एक मॉडल बनाया हमने जिसको हमने कहा ग्लोब। अब ये ग्लोब है तो ग्लोब पे आपको एक लाइन मिलेगी जिसको हम बोलेंगे 0 डिग्री इक्वेटर, और इस 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल में भी कुछ लाइंस मिलेंगी जिन्हें ही आप क्या कहोगे बेटा? लैटिट्यूड्स। चलो अब कुछ लाइंस हैं जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। कुछ लाइंस आपको सेमी सर्कल्स मिलेंगी जो इस तरीके से रन कर रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? लॉन्गिट्यूड। ठीक है बात। अब जहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, इनका जो क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनता है उसे ही क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड। ये क्या बन रही है? ग्रिड बन रही है ना, ये ग्रिड है। चलो तो जो इंटरसेक्शन होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, पिन पॉइंट अ प्लेस ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर किसी प्लेस को, सरफेस को पिन पॉइंट करता है, और दिस क्रिस क्रॉस लाइंस फॉर्म अ फ्रेमवर्क। यही क्रिस क्रॉस लाइन एक फ्रेमवर्क रेडी करती हैं, इसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड। एरेटोस्थनीस। ठीक है बात, स्पेलिंग लर्न करने पे ज़्यादा ध्यान देना, प्रोनंसिएशन तो गूगल पे भी देख सकते हो। एरेटोस्थनीस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने पहली बार कैलकुलेट की सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सर्कमफेरेंस पता है ना? सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये इस, अगर यहाँ पर एक गोला है तो इसको मैं इस तरीके से अगर नाप लूँ तो इसी को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। जैसे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। चलो तो एरेटोस्थनीस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने पहली बार अर्थ की सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया और डिवाइस किया लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिवाइस किया। द ग्रिड ऑन द ग्लोब, जो ग्रिड होती है ग्लोब के ऊपर, मैप के ऊपर, वो कुछ पर्पस से बनाई जाती हैं। ठीक है, पर उन दोनों का पर्पस कैसा ही होता? सेम होता, भले ही वो ग्रिड ग्लोब पे बनाई गई हो, मैप पे बनाई गई हो, वो सेम ही पर्पस को
कैटर करती हैं, सर्व करती हैं एज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप ग्राफ पेपर में बनाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। जैसे उनका पर्पस होता है वैसे ग्लोब और मैप पे बनी ग्रिड का भी कैसा पर्पस होता है बच्चा, सेम पर्पस होता है। इस केस में जो एक्स एक्सिस होगी उसको लैटिट्यूड वाली लाइन रिप्रेजेंट करेंगी हॉरिजॉन्टल, वहीं पर वाई एक्सिस को लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस क्या करेंगी रिप्रेजेंट करेंगी। तो एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, लैटिट्यूड। वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्गिट्यूड। अब हम देखेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं, है ना। कैसी लाइंस है बच्चा, इमेजिनरी लाइंस है। आपको अर्थ के ऊपर ढूंढने से भी कभी ये लाइन नहीं मिलेंगी कि आप चलते जा रहे हो रास्ते में ढूंढ रहे हैं यार लैटिट्यूड कहाँ है, ऐसा नहीं है बच्चा, ये इमेजिनरी लाइंस है। चलो तो जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, वो सारे प्लेसेस को ज्वाइन करेंगे जिनका सेम लैटिट्यूड होगा टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। टूवर्ड्स द नॉर्थ, और ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है, अच्छा चलो हम लैटिट्यूड्स को बनाना सीखेंगे, देखना जरा। ये रहा राउंड शेप, ये हमने बीचों बीच से इक्वेटर बना दिया, ठीक है बात। अब इस इक्वेटर के ऊपर आपको रखना है डी, ये आता है ना ऐसे 90 डिग्री वाला, 110, 100 डिग्री वाला ऐसा, ये यहाँ पर रखो, उसको प्लेस कर दो यहाँ पर। अब आपको 30 डिग्री बनाना है, तो ये रहा 30 डिग्री, यहाँ पर भी बनाओ 30 डिग्री और इस लाइन को मिला दो, तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। 60 डिग्री लैटिट्यूड बनाना, तो यहाँ से ये बनाया हमने इस चांदे को यहाँ रख के 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी बना दिया 60 डिग्री का एंगल, तो ये 60 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। आई बात समझ में, तो ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, समझ में आई बात। अब एक पेपर ले लो, मेरे साथ साथ ही करो, एक पेपर ले लो, उस पेपर पर एक लाइन खींच दो, उस लाइन पर यहाँ रखो चांदा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर। अब उस प्रोटेक्टर, ये ऐसा होता है प्रोटेक्टर, इससे बनाओ 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से बनाए 30 डिग्री, इस लाइन को मिला दो, यहाँ से बनाओ 60, इस लाइन को मिला दो। जब ये आप इसका सर्कल बनाओगे तो ये एक एक एंगल ही एक एक लैटिट्यूड शो करेगा। चलो तो जो लैटिट्यूड है ये एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर और इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में ये एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है बात। लैटिट्यूड्स क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, प्रोटेक्टर से बनाए गए एंगल, है ना। प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में भी एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं, इक्वेटर के साउथ में भी एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं। लैटिट्यूड इज मार्क्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड को डिग्रीज में बताया जाता है, विद इक्वेटर बींग 0 डिग्री, इक्वेटर की डिग्री क्या है, 0। जैसे ये रहा तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर की डिग्री क्या होगी, 0। लैटिट्यूड्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एंगल अ प्लेस मेक्स विद द सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, इस अर्थ के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग लैटिट्यूड्स को कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि जो लैटिट्यूड्स की लाइन होती है वो पैरेलल होती है किसके, इक्वेटर के। कैसे, देखो ये रहा इक्वेटर, इसके पैरेलल जाती हैं लैटिट्यूड्स की लाइन, इसीलिए इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज फुल सर्कल, हर लैटिट्यूड एक फुल सर्कल है। जैसे 3D इमेजिन करो, ये है हमारी अर्थ, तो एक लैटिट्यूड जो यहाँ से चालू होगा वो पीछे से पूरा क्रॉस करता हुआ आएगा, ठीक हुई बात, फुल सर्कल होते हैं। तो जितनी भी पैरेलल है लैटिट्यूड के वो पूरा फुल सर्कल है। ये देखो ये पूरा फुल सर्कल दिख रहा है ना 3D, तो हम ड्राइंग बना नहीं पाएंगे, तो यहीं से समझो ये फुल सर्कल, ये वाला भी फुल सर्कल, और इसमें से जो इक्वेटर वाला जो सर्कल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल। तो हर पैरेलल जो है लैटिट्यूड का वो फुल सर्कल, ये पूरा सर्कल है, देखो यहाँ से चालू हुआ यहीं पर ख़त्म होगा, साथ ही साथ हम इक्वेटर को क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। ये भी देखो, ये हैं लैटिट्यूड्स, ये हैं फुल सर्कल, ये हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये कैसे होते हैं बेटा, सेमी सर्कल, और ये जो बना रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। ऐसे जो ये है ग्रिड, जो लाइन
जो लाइन से लैटिट्यूड की वो इक्वल लेंथ की नहीं है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे छोटी हो जाएगी, खुद से देखो और खुद से समझो। ये बना दी हमने अर्थ, गलत बनाई, फिर से बनाते हैं। ये बना दिया, ये बना दिया मैंने 0 डिग्री इक्वेटर। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब मुझे बताओ कि ये लाइन और ये लाइन क्या इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन क्या इक्वल है, ये लाइन क्या इसके बराबर है या ये लाइन क्या इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते। समझ में आ गया? आप तो देख के भी समझ में आ गया होगा, इस लाइन की लेंथ इतनी नहीं है, इस लाइन की लेंथ भी इतनी नहीं है, तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे इनकी लाइन छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी, पोल्स पर तो सिर्फ ये डॉट्स की तरह बचेंगे। अब जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है, जैसे ये रहा इक्वेटर और ये यहाँ पर है 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो इनमें डिफरेंस कितने का हो जाता है? जस्ट हाफ का। इक्वेटर की जितनी लेंथ होगी उसका हाफ हो जाएगा 60 डिग्री की लेंथ। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड छोटे बड़े होते हैं। हर हेमिस्फीयर में जो सर्कल होगा 60 डिग्री लैटिट्यूड का वो हाफ होगा इक्वेटर से। एट द पोल दिस लाइन आर जस्ट पॉइंट और डॉट, और जैसे ही आप पोल्स पे पहुंचोगे तो लाइंस नहीं बचेगी, सिर्फ क्या बचेंगे? डॉट्स। तो बच्चा यहाँ पर अगर पूछा जाएगा टोटल लेंथ नहीं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या बोलोगे? 181। पूछा जाएगा लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या बोलोगे? 179। क्यों बोलोगे 179 बेटा? दो कहाँ गायब हो गए? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो क्या है? सिर्फ डॉट्स हैं, लाइंस तो है ही नहीं। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड 179, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181। इस 181 में दो क्या है बेटा? डॉट्स हैं। ठीक, कोई बात। अब हम देखेंगे मेन लैटिट्यूड्स। देयर आर 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। दो लैटिट्यूड में कितने का डिफरेंस है? 1 डिग्री का डिफरेंस है। टोटल कितने हैं? 181 पैरेलल हैं। इक्वेटर लॉन्गेस्ट लाइन है लैटिट्यूड की, इट रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर की डिग्री कितनी है? 0। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में लोकेट होगा, इसका इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? 90 डिग्री। देखो हीरा इक्वेटर, इस पे रखो आप प्रोटेक्टर, ये रखा प्रोटेक्टर, 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो ये क्या बन गया? नॉर्थ पोल। ऐसे ही आप प्रोटेक्टर इस साइड रखो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये बन गया साउथ। ठीक है बात। साउथ पोल भी एंगुलर डिस्टेंस पे है इक्वेटर से, कितनी डिग्री? 90 डिग्री। ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर आपने देखा होगा ना, हम कुछ लोग उसको चांदा भी बोलते हैं जिससे अपन एंगल बनाते हैं, यार देखा ही होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है बेटा? 23.5। पर अगर नदर हेमिस्फीयर में जो लाइन है उसे हम एन से डिनोट करेंगे, 23.5। नदर हेमिस्फीयर में जो लाइन है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका एक नाम रख दिया, क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही साउथ में मिलेगी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसकी डिग्री भी 23.5 है, पर ये सदर हेमिस्फीयर में इसलिए साउथ लिखा हुआ है। एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से कितने का है? 23.5 का। आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो आर्कटिक सर्कल है वो मार्क्स द लेंथ ऑफ नॉर्थ पोल रीजन सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। अब इसको इस तरीके से समझो, देखो ये रहा आर्कटिक सर्कल, ठीक है बात, आर्कटिक सर्कल नहीं अर्थ, ये रहा इक्वेटर और ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये रहा एंटार्कटिक सर्कल। तो बच्चा जो नॉर्थ पोल होता है उस पोलर रीजन को लिमिट करता है 66.5 आर्कटिक सर्कल। ऐसे ही जो एंटार्कटिक सर्कल होता है वो साउथ पोलर रीजन को लिमिट कर देता है 66.5। पर इनमें ये डिफरेंस है, इसको यहाँ पर नॉर्थ से डिनोट करेंगे, इसको यहाँ पर साउथ से डिनोट करेंगे। जो एंटार्कटिक सर्कल है वो भी रिप्रेजेंट करता है 66.5 साउथ लैटिट्यूड। जो एंटार्कटिक सर्कल है वो मार्क करता है द लिमिट, किसके लिमिट? साउथ पोलर रीजन के लिमिट को। अब हम देखेंगे नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर को। जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है बच्चा। इक्वेटर की डिग्री होती है 0, इक्वेटर के नॉर्थ में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ में होता है सदर्न हेमिस्फीयर।
ठीक है बात। द इक्वेटर दैट रन्स मिडवे बिटवीन द पोल्स डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, दो इक्वल हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर का मतलब ये क्या होता है, स्पेयर में हेम ही लगा हुआ है मतलब हाफ हाफ स्पेयर, और दो हेमिस्फीयर का नाम क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरे का सदर्न हेमिस्फीयर। अब बेटा अगर हम पोल्स की बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर अपोजिट टू ईच अदर। अब देखो नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, ये एक दूसरे से अपोजिट में है। एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ के एक्सट्रीम एंड पे है, ये भी एक्सट्रीम एंड हुआ, ये भी एक्सट्रीम एंड हुआ, स्पेयर के अर्थ के एक्सट्रीम एंड पे मिलेंगे आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दे आर ईच लोकेटेड एट 90 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। फिर वही कहानी, बार 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 ये रहा इक्वेटर, इस पे रखो डी और ये बना दो 90 डिग्री, ये बना दिया 90 डिग्री। तो कितने का डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का इक्वेटर से, एंगुलर 90 डिग्री। ठीक है बात। अब बेटा देखो जो लेंथ है इक्वेटर की इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये रही अर्थ, तो जो ये जो अर्थ इक्वेटर है, इक्वेटर को पूरा नाप लेना मतलब अर्थ की सर्कमफेरेंस पता कर लेना। तो अर्थ की सर्कमफेरेंस ये इक्वेटर कितने किलोमीटर का है बच्चा, 40,075 किलोमीटर का। ठीक हुई बात। तो जो लेंथ है इक्वेटर की वो इक्वल है किसके, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ के, और ये दोनों इक्वेटर की लेंथ या सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितनी है, 40,075 की। ठीक हुई बात। अब एक सर्कल टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 111 डैश डैश डैश। तो इस पॉइंट वाले नंबर को हम ख़त्म कर देते हैं, टोटल रफली मान लेते हैं कि एक एक डिग्री पे रफली कितने का डिफरेंस आएगा, 1 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 111 किलोमीटर का। हर एक डिग्री पे कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 111 किलोमीटर का। क्या बात समझ में आ गई। ये 360 क्यों लिया, क्योंकि एक सर्कल 360 का होता है, एक सर्कल कितने का होता है, 360 का। टोटल सर्कमफेरेंस हमने नापी तो कितनी थी, 40,075। तो एक डिग्री एंगुलर डिस्टेंस में रफली कितने किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। जैसे बेटा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी किसकी तरह काम करते हैं, कोऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। ठीक है बात। तो जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड की वो एक कोऑर्डिनेट होती है ग्रिड सिस्टम का। अब ये जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड के, इनके क्या क्या यूजेस हैं वो देखते हैं। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस, किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड करने के लिए लैटिट्यूड का यूज़ होगा। लैटिट्यूड्स गिव अस द लोकेशन ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में हो साउथ में हो किस लोकेशन पे हो, ये किसके थ्रू जान सकते हो आप, लैटिट्यूड के थ्रू जान सकते हो। सच अ लोकेशन इज नोन एज एब्सोल्यूट लोकेशन, और इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, एब्सोल्यूट लोकेशन। टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, अगर किसी प्लेस के डिस्टेंस को मेजर करना है तो भी लैटिट्यूड का यूज होगा। डिस्टेंसेज आर कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू इक्वेटर, इक्वेटर के हिसाब से, इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट मान के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। At the right angle to the place, we can therefore measure the distance of any place from the equator based on degree of latitude. Latitude के degree को देखते हुए हम किसी भी place के distance को measure कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, मैडम आपने क्या पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो बेटा ध्यान से सुनो, इक्वेटर से कोई प्लेस कितनी दूरी पर है ये किलोमीटर में आप इजिली नाप सकते हो, है ना, इजीली नाप सकते हो। कैसे नाप सकते हो बेटा, कैसे नाप सकते हो, इक्वेटर का रेफरेंस लेके। अब जैसे जो लैटिट्यूड है मुंबई का वो है 90 डिग्री नॉर्थ, और जो न्यू दिल्ली का है वो है 30 डिग्री नॉर्थ। तो हमें पता है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर। तो हम मुंबई का कैसे मेजर करेंगे, 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें किसका, 11 का, और दिल्ली का भी सेम करेंगे, 111 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। तो दिल्ली इक्वेटर से कितनी दूरी पे है, 3,330, और वैसे ही मुंबई कितनी दूरी पे है, 2,109। ठीक है बात। बेटा अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स। जैसे ये रही हमारी अर्थ, तो अर्थ पे कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पोल्स के आसपास बर्फ ही बर्फ है मतलब ठंडी ठंडी पड़ती है। ठीक है बात। और ये बीच वाला जोन ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडा। तो लैटिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं किसी प्लेस को लोकेट करने में, ये तो उनका एक फंक्शन हो गया। साथ ही साथ लैटिट्यूड्स अर्थ को किस में भी डिवाइड कर देते हैं बेटा, हीट जोन्स में। ठीक है बात।
बिसाइड्स हेल्पिंग अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन मैप चार्ट्स, हमें लोकेट करने में मैप पे चार्ट पे किसी प्लेस को लोकेट करने में लैटिट्यूड हेल्प करते हैं, कोई दो मत नहीं है इसमें। पर इसके अलावा जो लाइंस होती है लैटिट्यूड की, वो अर्थ को डिफरेंट डिस्टिंक्ट हीट बेल्ट में भी डिवाइड करती हैं। ठीक है बात, जो लाइंस होती है लैटिट्यूड की वो इंडिकेट करती हैं जनरल क्लाइमेट ऑफ द एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जनरल क्लाइमेट भी कौन इंडिकेट करती हैं, लैटिट्यूड लाइंस। अब ये किसी भी प्लेस के जनरल क्लाइमेट को कैसे बता देती हैं बच्चा, तो बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट जोन, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ हीट जोन, हीट जोन के प्रिंसिपल को अप्लाई करके, थर्मल जोन के प्रिंसिपल को अप्लाई करके। अब हीट जोन का प्रिंसिपल क्या हुआ, थर्मल जोन का प्रिंसिपल क्या हुआ, ये हमें पता है बच्चा कि जो हमारी अर्थ है वो स्फीयर है ना, अर्थ का एक पार्ट सन से बहुत ज़्यादा हीट लेता है, वो है इक्वेटोरियल बेल्ट, और एक पार्ट स्लैंटिंग रेज लेने के कारण बहुत कम हीट ले पाता है ना। तो थर्मल जोन्स के प्रिंसिपल के बेसिस पे, हीट जोन के प्रिंसिपल के बेसिस पे ये लैटिट्यूड ही है जो किसी भी प्लेस का क्या बता देते हैं हमें, क्लाइमेट। ठीक है बात, चलो। दस लैटिट्यूड एनेबल अस टू डिवाइड द होल अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, इसीलिए हम लैटिट्यूड्स को बेस बना के अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं। देखो हम पहले कर ही लेते हैं, नहीं अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। पहला जोन होगा टॉरिड जोन, टॉरिड मतलब भयंकर गर्मी, टॉरिड जोन को ही ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। तो वो एरिया जो 0 degree इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में भी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हो, साउथ में भी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये इक्वेटर है। तो ये जो इतना बड़ा बेल्ट है ये पूरा बेल्ट भयंकर गर्म होता है, हॉट। क्यों होता है हॉट, क्योंकि इक्वेटर पे 6 month apparent मूवमेंट होती है सन की, सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पर ही आती हैं पूरे 6 महीने, और बाकी के जो 3 महीने नहीं आती हैं तो उसमें भी लगभग सीधी रोशनी इसे मिलती है, सीधी लाइट इसे मिलती है, किसको, इक्वेटर को। ठीक है बात, क्यों, क्योंकि बाकी के 3 महीने जो अपेरेंट मूवमेंट होती है सन की, जो डायरेक्ट रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है पहले 3 महीने, और बाद के 3 महीने कहाँ पर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, पर उस टाइम भी इक्वेटर को अच्छी खासी लाइट हीट एनर्जी मिल रही होती है। चलो, तो वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ तक है, उसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन, मीनिंग वेरी हॉट, बहुत गर्म। इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, इसे ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, ये हॉटेस्ट जोन है अर्थ का, अर्थ में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक, इक्वेटर के दोनों साइड। चल अब हम टेम्परेट जोन पढ़ेंगे, तो बच्चा टेम्परेट जोन पहले डायग्राम में देखो कहाँ होता है टेम्परेट जोन, तो ये 23.5 तो क्या हो गया, टॉरिड जोन। अब इस 23.5 से लेकर के 66.5 नदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला जो जोन है, और सेम ये जोन 23.5 साउथ से लेके 66.5 साउथ में, ये वाला जो जोन है जिसको मैं रेड कर रही हूँ, ये क्या है, टेम्परेट जोन। क्या है बेटा, टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन का मतलब क्या होता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही तो ये एरिया ज़्यादा गर्म होगा ना ही तो ये एरिया ज़्यादा ठंडा होगा, ना ही तो बहुत गर्म ना ही ठंडा, इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। दो है टू अदर इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बेस्ड ऑन टेम्परेचर आर आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ एंड एंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ। दो टेम्परेट जोन होंगे बच्चा, एक होगा नदर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। पहली बात, ये 0 degree इक्वेटर, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आर्कटिक सर्कल और ये एंटार्कटिक सर्कल। बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज बिटवीन एंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है बात, लाई इन टू टेम्परेट जोन्स, ये कहाँ पर ही आ रहे हैं, टेम्परेट जोन में, मतलब इनके बीच में जो जोन है उसे हम टेम्परेट जोन बोलेंगे। द नॉर्थ टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 23.5 नॉर्थ से 66.5 तक, और साउथ टेम्परेट जोन कहाँ तक रहेगा,
23.5 से 66.5 तक। देखो डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है पर लाइंस में डिफरेंस होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक। ये रीजन मॉडरेट होता है, यहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स भी दो होंगे, एक होगा नदर्न हेमिस्फीयर में और एक होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं 66.5 से, ख़त्म कहाँ पर होते हैं 90 डिग्री। स्टार्ट कहाँ से होते हैं 66.5 से, ख़त्म कहाँ पर होते हैं 90 डिग्री। एक होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, एक होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक क्या है फ्रिजिड जोन। नाम से ही पता चलता है फ्रिजिड मतलब टू कोल्ड, बहुत ठंडा। सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 एंटार्कटिक सर्कल से 90 डिग्री साउथ पोल तक। ये रीज़न कौन सा है फ्रिजिड जोन, दो बहुत ही ठंडे जोन। बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ये को क्या बोलते हैं, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक है बात। दीज आर पोलर रीजन, ये क्या है बेटा पोलर रीजन है। एंड रिसीव्स द सन स्लैंटिंग रेट, इनको सन की स्लैंटिंग रेज मिलती हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते, स्लैंटिंग रेज मिलती हैं। और यहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर होता है। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, ओनली इफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट पार्ट टू विथ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।